हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि एचटीएमएल में फॉर्म टैग के माध्यम से जब हमको कोई बटन बनाना हो, जैसे सपोज के नेक्स्ट या प्रीवियस का, या फिर हम बनाना चाहते हैं रिसेट और फिर सबमिट बटन का, कैसे बनाना। और फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको कि अगर जो अपने फॉर्म बनाते समय उसमें मॉनिटरी फील्ड देना हो तो कैसे मॉनिटरी फील्ड। ध्यान रखिए, पिछली क्लास में कोड करके हमने आपको कुछ ये फॉर्म बनाना बताया, याद है ना? लो, यहाँ तो बना लिया। अब सबसे पहले हमको करना क्या है, इसमें एक बटन दे देना है। किसके लिए? हाँ, एक दे देना है, पहले देते हैं प्रीवियस के लिए और उसके आगे नेक्स्ट, ताकि प्रीवियस करेंगे तो बैक आ जाएगा और नेक्स्ट करेंगे तो अगले वाले फॉर्म वाले ऑप्शन पे लेकर चला जाएगा। हाँ, समझे ना? सबसे पहले उसके लिए हम कोड पे आएंगे ना, एक और फॉर्म बना लेते हैं। ये फॉर्म 1 सिर्फ फॉर्म बनाया है ना, एक और हम बना लेते हैं फॉर्म 1 नाम से फाइल। किस नाम से? form1.html। इसका एक्सटेंशन क्या रखना है? बॉयलरप्लेट लेवल लाने के लिए सबको पता होगा, अलग बॉयलरप्लेट ना। अब देखिए इसमें करना क्या है, बॉडी टैग के अंदर हम आ गए और यहाँ आने के बाद इसमें कुछ ज्यादा नहीं, बस कुछ ऑप्शन ले लेते। कुछ ऑप्शन क्या है, जैसे सपोज करें सबसे पहले हम लगा दिए टेबल टैग, टेबल के अंदर लगा लिए कौन सा टैग? फॉर्म टैग, और फॉर्म के अंदर आ गए। चलिए सबसे पहले हम इसमें देते हैं क्या, सेलेक्ट स्टेट के लिए, स्टेट अपना सेलेक्ट करेगा आप समझे ना, और स्टेट के नीचे उसका डिस्ट्रिक्ट दे देते हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेगा आप समझे ना, डिस्ट्रिक्ट के आगे उसका पोस्ट दे देते हैं, जो उसका पोस्ट ऑफिस को अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करेगा, और उसके नीचे हम दे देते हैं क्या, वो अपना फोटो अपलोड करेगा, अपना सिग्नेचर अपना, आया समझे ना। देखिए उसके लिए हमको इस पेज पे क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं टीआर टैग, यानी टेबल है, और इस रो में हम लिख दिए क्या टेबल, और इसमें हम लिख दिए क्या सिर्फ स्टेट लिख दो, क्या लिख दिए, तो सभी स्टेट का नाम देना होगा ना। उस स्टेट का नाम देने के लिए जब हम टेबल टैग के अंदर यहाँ नीचे आएंगे, एक और लगा लेंगे टीडी, और टीडी के अंदर हमको सेलेक्ट देना होगा, क्या देना होगा, सेलेक्ट के अंदर आ गए, और यहाँ पे सबसे पहले हम दे देंगे ऑप्शन, क्या देंगे ऑप्शन, ऑप्शन में यहाँ वैल्यू कुछ नहीं देते हैं फिलहाल, यहाँ बीच में आके ऐसे करके लिख देते हैं सेलेक्ट स्टेट, क्या देंगे सेलेक्ट ऐसे कॉलम हो जाएगा ना, उसके नीचे आ गए। अब ध्यान रखिएगा कोई ज्यादा स्टेट नहीं देंगे, फिलहाल समझने के लिए एक दो स्टेट हम दे देते हैं, फिलहाल आपको भरी जितना स्टेट देना हो। सपोज करें हम ऑप्शन पे आ गए, और ऑप्शन में हम यहाँ पे कर दिए क्या सिंपल, बस यूपी लिख, क्या लिख दिए, उसके नीचे फिर ऑप्शन लगा दिए, क्या देना है इसमें, जेके जेके, ठीक है सर, पहले बी आर कर देते, सब कर रहे मत घबरा, फिर आगे यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग पूरा नाम टाइप करिएगा, फिलहाल समझने के लिए बस शॉर्ट नेम टाइप कर दे, क्योंकि जो नाम टाइप करेंगे इसके अंदर वही तो आएगा ना। हम यहाँ पे टाइप कर दिया, अगला क्या जेके जी, यूके हो जाएगा ना, यू उत्तराखंड के लिए, और उसके आगे एक और कोई स्टेट दे देते ऑप्शन, और यहाँ पे दे दिए क्या ठीक, और एक और दे देते हैं पीबी, पंजाब के लिए क्या होता है पीबी, तुम दे देना गोवा, कंट्रोल यस से क्या कर ली सेव, और सेव करने वाले से हम कर दिए गो लाइव। ध्यान रखिए वो हमारा फॉर्म अलग है और ये हमारा फॉर्म अलग, क्योंकि दोनों को एक में जोड़ना है, कि नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करें तो नेक्स्ट वाले पेज पर लेकर चला है, और प्रीवियस कर दिए पीछे वाले पेज पर से लेकर चला है। आया समझे ना, ध्यान रखिएगा उसके लिए हम लोग एक लिंक का काम, लिंक जोड़ने का काम है, ये आपको स्टेट दिख रहा है ना, जो स्टेट के वो स्टेट सेलेक्ट कर लें, क्योंकि पूरी स्टेट का नाम दे देंगे, जितना स्टेट होगा सभी स्टेट का क्या करेंगे नाम देख लो चले जाएंगे। हाँ, एक नया फाइल बनाए, जैसे पहले फॉर्म नाम से था ना, तो एक नया फॉर्म बनाया, फॉर्म 1 नाम से एक फाइल बना ली। अब इसमें हम क्या कर देंगे, इस टेबल रो के नीचे आएंगे, एक और टेबल रो, टेबल डेटा, उसके बाद इसमें दे दिए क्या डिस्ट्रिक्ट,
अब इसमें फिर से हम कर दी कॉलन, कॉलन के पास इसके नीचे आ गए, फिर वही इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा ना, इसके अंदर हम इस्तेमाल कर लेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट के नीचे आ गए, इसमें क्या इसका किससे इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन, और इस ऑप्शन में हम दे देते हैं क्या सबसे पहले देना होगा, ध्यान रखिए पहले नंबर पे आपको क्या देना, पहले नंबर पे कॉलम करना ऐसे कर लेना है और यहाँ लिखना सेलेक्ट कंट्रोल ऐसे, चलिए एक और दे दें आगे ना, आगे एक और डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दे, पहले हम दे दिए ऑप्शन और पहले हम किसका नाम दे दिए पडरौना ही ना, पडरौना नहीं नहीं चला जाएगा ना कुशीनगर, और उसके आगे पहले ऑप्शन लगाना होगा ना, ऑप्शन और इसमें दे क्या देवरिया, इतना ही रहने देते फिलहाल, कंट्रोल एस से क्या कर लिया सेव और आउटपुट, ये दोनों आ गया ना हो जाएगा ना, हाँ इसके तहसील और भी आपको जो भी डिटेल लिखना होगा एड्रेस से रिलेटिव वो यहाँ पे क्या करेंगे भरते हुए चले जाए, हो जाएगा ना, हाँ लेकिन इसमें आगे हमको क्या करना है सिग्नेचर अपलोड कराना है, फोटो अपलोड कराना है, उसके लिए हम यहाँ से बना लेंगे क्या टेबल रो, क्या बनाएंगे टेबल, और इसके अंदर क्या लिख दिए टेबल डेटा, और इसमें लिख दिए अपलोड फोटो, क्या लिख दिया अपलोड कॉलम, कि आपको यहाँ क्या अपलोड करना होगा फोटो में हमको क्या करना है टेबल डेटा दे देना है, और इसके अंदर देना है इनपुट, क्या देना है और इनपुट के अंदर हमको यहाँ कर देना है क्या फाइल, क्या करना है हो जाएगा ना, और इसके अंदर हम यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं चूज योर फोटो, या फिर इतना ही पे सेव करिए और एक बार आउटपुट में आ जाए, आपको चूज फाइल का ऑप्शन आ गया ना, और यहाँ क्या दे रहा है नो फाइल, कभी आपने कोई फाइल चूज नहीं, अब देखिए और आप यहाँ क्लिक करेंगे ना आपका फाइल ओपन कर देगा, जो फोटो उसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, देखिए उस नाम से आ गया है ना, कोई दिक्कत इसमें, अब करना क्या है हमको फिर से थोड़ा सा आते हैं कोड पर, जैसे फोटो के लिए हमने लगाया टेबल रो, उसी प्रकार से हम लगा देंगे किसके लिए सिग्नेचर, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे सिग्नेचर, क्या लिख दिए सिग्नेचर, कंट्रोल ऐसे क्या कर लियो सेव, जी एल कंट्रोल ऐसे क्या कर लियो सेव, यानी टी यू आर ए सेव कर लिया, और सेव कर कहाँ पे आ गए आउट, अब दिख रहा है ना अपलोड फोटो क्या गया अपलोड हो जाएगा ना, अब ध्यान रखिए अगर आपको फोटो फोटो अपलोड करना है तो फोटो अपलोड करिए और सिग्नेचर अपलोड करना है तो हो जाएगा ना, बस इतना ही रखते हैं, बाकी और जो भी डिटेल लेना हो आपको दे ले जाएंगे ना, अब आप फॉर्म और ले रहे हैं किस टाइप का फॉर्म भरवा रहे हैं वो फॉर्म आप क्या करते जाएंगे यहाँ पे जो भी आपको सेलेक्ट करना हो सेलेक्ट करते हुए चले, फिलहाल अभी हमने दिए फोटो और उसके नीचे सिग्नेचर, अब हमको करना क्या है जो हमारा पहला वाला फॉर्म इस पे हमको लगाना है यहाँ पे किसका एक रीसेट का बटन लगाना है और एक नेक्स्ट का बटन लगाना, एक किसका लगाना है रीसेट का और दूसरा नेक्स्ट, उसके लिए पहले हम फॉर्म वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे इस वाले फाइल, क्योंकि अभी हम इसलिए बना लिए ताकि इसमें हम इसको जोड़ेंगे तो नेक्स्ट वाले फॉर्म पे लेके जाएगा ना, हम यहाँ नीचे आ गए फॉर्म के अंदर क्या करेंगे एक टेबल रो बनाएंगे, बन गया ना, इसके अंदर लिख दिए टेबल डेटा, क्या लिख दिए टेबल, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या इनपुट, क्या लिख दिए और टेक्स्ट की जगह पे हम यहाँ लिख दिए रीसेट, टेक्स्ट की जगह क्या लिख दिए कंट्रोल एस से सेव किए और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गया आउट, एक बार पेज को रिफ्रेश, एक बटन दिखने लगा ना, अब देखिए इसका काम क्या आप कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए, आप टाइप करिए
टाइप हो गया ना, वो आपको फिर शुरू से करना है, रीसेट कर लीजिए। काम कर रहा है ना, हम कुछ भी भर दें यहाँ पे, और भरने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिसेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, हो गया पहले जैसा ना। वैसे यहाँ एक बटन दे देना है, जब यहाँ पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे लेकर चला जाए। उसके लिए आप डायरेक्टली जब यहाँ पे आएंगे, एक इसमें टैग एक और था, सबसे पहले बटन लगाना होगा ना। सबसे पहले डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इसके नीचे एक और टेबल डेटा बनाते हैं, और यहाँ पहले ध्यान रखिएगा लिंक का काम कराना है हम, उसके लिए हम यहाँ पे एंकर टैग लगाएंगे। कौन सा टैग लगाएंगे, एंकर। और एंकर टैग क्या होगा, एच रेफरेंस होगा, क्या होगा, एच रेफरेंस। और एच रेफरेंस हमको क्या करना है, जो फॉर्म वन वाला हमारा लिंक है ना, वही यहाँ पे टाइप कर देना, फॉर्म वन आ गया है ना, क्योंकि फॉर्म वन किसका नाम है, अगले वाले फाइल का नाम है ना, इसीलिए हम उस फाइल का नाम टाइप कर। और जब बीच में आएंगे ना, यहाँ लिख देंगे क्या, बटन, क्या लिख देंगे, बटन। और बटन ये किस चीज का बटन है, लिख दिया पे नेक्स्ट, क्या लिख दी, सेव किए, और सेव करने वाले अपने पेज पे आके वर्क पेज को रिफ्रेश कर, वापिस नेक्स्ट के बटन लिखना है। देखिए ये रीसेट जो भी भरेंगे वो सारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से ये आपको किस लिए आएगा, अगले वाले इतने भी काम नहीं कर रहा है ना, ये काम कब करेगा, दोनों को क्लोज करके यहाँ आने के बाद से यहाँ से एक बार इसको करते हैं गो लाइव। आ गया है ना, देखिए यहाँ से हम करते हैं नेक्स्ट, क्यों काम नहीं करने दे रहा है जी, लिसिट काम कर रहा है ना। चलिए एक बार कोड पे आते हैं, यहाँ हमने फॉर्म वन एच रेफरेंस को दिया ही है, और यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ से पहले कट कर लिए और इसको बाहर कर लिए। अच्छी इसको यहाँ से हटा के और इस वाले को एंकर टाइप के बाहर कर, सेव की, और सेव करने वाले से आउटपुट पे आ गया। अब काम करेगा, नेक्स्ट पे क्लिक करें, आगे लेकर बैक आ गया, लेकिन अभी बैक यहाँ से आना पड़ रहा है ना, हम एक बैक का बटन बनाएंगे जो यहाँ पे क्लिक करके कहाँ नहीं चला जाएगा, बैक लेके आ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से आ जाएंगे अपने पेज पर, कोड पर, और यहाँ आने के बाद से अब इस बार हमको यहाँ पे नहीं लगाना है ना, क्योंकि यहाँ पे लगाना है, क्योंकि ये वाला हो गया, अगले वाले हम पे हमको आना होगा ना, फॉर्म वन वाले पर। तो यहाँ पे हम इसके नीचे लगाएंगे एक टेबल रो, क्या लगाएंगे, और पहले बटन लगा लें, पहले क्या लगा लें, बटन, और इस बटन के अंदर हम लिखेंगे एंकर टैग, और क्या फॉर्म वाले सिर्फ आप ऑप्शन पे जाना है ना, यहाँ लिख दिए फॉर्म, क्या लिख दिए, और इसके अंदर हम लिख दिए किस चीज का बटन है, मैं बैक, बस स्पेस लिख दे, प्रीवियस रहता है, लेकिन वैसे फिलहाल अभी हम बैक लिख दे, यहाँ पे प्रीवियस रहेगा, प्रीवियस मतलब तो क्या होगा, लेकिन अभी ये कहाँ चला जा रहा है, कहाँ चला जा रहा है, इसको कहाँ आना चाहिए था, कहाँ हम लोग लगाए हैं, सही तो लगा है, फिर इसको नीचे ही रहना चाहिए ना। इस वाले फॉर्म में ये सही आ रहा है, इस वाले में सही आ रहा है, लेकिन इस वाले में जो है यहाँ पे आ रहा है। काम करते हैं, ध्यान दीजिए, पहले इस बटन को हटा के डायरेक्टली हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, टेबल डेटा हमने दिए है अच्छा ना, हाँ पहले टेबल दे दिए, टेबल डेटा, और इसके अंदर टाइप सेव, और अब पेज पे आ गए, सब सही है ना, बैक आप लिखने लगा। और यही हम क्या करेंगे, एक और टेबल डेटा लगा लेंगे, हो जाएगा ना, और इसके अंदर हम लिखेंगे इनपुट, क्या लिखेंगे, और इसमें हम टेक्स्ट को हटा क्या लिख देंगे, सबमिट, क्या लिख देंगे, कंट्रोल एफ से, सेव कर लिए, और फिर हम अपने पेज पे आ गए। अब देखिए जब शुरू में आप अपना ये फॉर्म ओपन करेंगे, आपको ऐसे फॉर्म दिखाई देगा, दिख रहा है ना,
जो भी भरेंगे भर दिए हो जाएगा, और यहाँ पे यदि हम क्या कर दे रिसेट रिसेट करना, सारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे अगले वाले फॉर्म पे लेके आएगा, और ठीक प्रीवियस करेंगे तो नेक्स्ट आ गया, और प्रीवियस सबमिट क्या करेगा, ये फॉर्म को हमारा सबमिट कर रहे, लेकिन अभी सबमिट आपको बटन ऑप्शन दिखाई, काम कर दो नहीं दिखाई दे रहा है ना, देखिए पेज को रिफ्रेश कर रहा है, पेज को क्या कर रहा है, सपोज करिए कि आपने यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लिया, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ली, चूज फाइल पे गए, अपना फोटो सेलेक्ट कर ली, अपना सिग्नेचर सेलेक्ट कर लिया, सबमिट बटन पे क्लिक कर, सारा अपने आप हट जा रहा है ना, इसलिए क्योंकि यहाँ से जब सबमिट होगा तो सबमिट होते ही यहाँ से डेटा हट जाएगा, और ये डेटा बैकवर्ड जहाँ हम फाइल दिए रहेंगे सेव करने के लिए, वहां पर फाइल जाकर के क्या हो जाएगा, सेव। हाँ समझे ना, ऐसे फॉर्म बनाना तो बन जाएगा ना। हाँ लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हम चाहते हैं कि जब सबमिट करें ना, तो जब तक यहाँ पे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट ना हो, तब तक कि सबमिट ना हो, जहाँ पे आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लिखे हैं ना, उसी में आप आ जाइए फॉर्म, इसमें वन वाले में ना ऊपर आते हैं, और ऊपर आने के बाद से ऊपर ये वाला ऑप्शन है ना, या फिर एक चीज ध्यान रखिए, ये तो ऑप्शन हम कर सकते हैं, और यही काम हम फॉर्म वन पे आ जाते, सिर्फ फॉर्म वाले, और इसमें भी जो बटन लगा है नेक्स्ट का ना, उसी के जस्ट बगल में हम एक और बटन लगा दे रहे हैं, कौन सा वाला, एक और बटन लगा दे रहे हैं रिसीट, यहाँ पे दे इनपुट, और इनपुट के अंदर हम दे दिए यहाँ पे सबमिट का, यहाँ पर इसका दे दिए सेव किए, और अपने पेज पे आ गए। ध्यान रखिए सिर्फ हम इसलिए दिए ताकि हम इसमें रिक्वायरमेंट वाला समझ सके, यस पीसी वाला है ना, एक बार इसको भी करते हैं गुलाई, सबमिट का भी ऑप्शन आ गया ना, सबमिट करना से नहीं आपको रिक्वायर्ड फाइल मांग रहा है, नहीं मांग रहा है ना, सिर्फ हम चाहते हैं फर्स्ट नेम कंपलसरी है, भरना है तो भरना है, लास्ट नेम कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं इसको छोड़ सकते, फादर नेम कंपलसरी है, तो जहां जहां कंपलसरी होगा, नहीं आपको भरना है तो भरना है, आप ऊपर आ जाइए, फर्स्ट नेम यही है ना, फर्स्ट नेम यही है ना, उसके अंदर क्या दिया है, ये इनपुट, इनपुट टाइप के अंदर जब आएंगे यहाँ पे एक और कंटेंट हम लिख देंगे रिक्वायर्ड, क्या लिख देंगे, अब देखिए हम कंट्रोल या से सेव किए, और फिर हम अपने पेज पे आ गए, सबमिट करें पहले क्या दे रहा है, प्लीज फिल आउट दिस, पहले आप इस फील्ड को क्या करिए, फिर फिल करिए, और देखिए अगर हम सिर्फ इसी को फिल कर दिए और सबमिट करें तो हो जाए, हो गया ना, लेकिन हम चाहते नहीं, और ये हो गया, फिर फादर नेम्स के लिए भी करें, मदर नेम के लिए भी करें, डेट ऑफ बर्थ के लिए भी करें, और एल्स के लिए भी करें, सब में हम क्या करते जाएंगे, रिक्वायर्ड लास्ट नेम के लिए नहीं चाहिए तो छोड़ दें, फादर नेम आ गए, हम यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, नीचे आ गए, फिर किसमें दे दिए, मदर रिक्वायर्ड, नीचे आ गए, डेट ऑफ बर्थ में भी दे दिया जाए, रिक्वायर्ड, नीचे आ गए, एज वाले में दे दिया जाए, एज वाले में ही देते हैं रिक्वायर्ड, फिर नीचे आ गए जेंडर वाले में भी, जेंडर वाले में सब में देना पड़ेगा, जेंडर छोड़ देते हैं आसमान, क्यों सेलेक्ट कोर्स, कोर्स वाले में कर दिया जाए, चलो कोर्स छोड़ देते हैं, और कोई एक लास्ट फोन नंबर में दे दे, किसमें दे दिए, सेव की, और फिर अब हम आ गए आउटपुट, पता है हम सबमिट का बटन यहाँ पे क्यों बनाए हैं, ताकि हम जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़े हैं, ताकि नेक्स्ट में ही हम सबमिट का फंक्शन लगा सके, कि जब तक हम यहाँ पे फॉर्म भरेंगे नहीं, तब तक ये नेक्स्ट होगा, आया समझे ना, जब हम फॉर्म जवाब पढ़ेंगे तो इसमें फंक्शन दे देंगे, कि जब तक ये फॉर्म फिल नहीं हुआ रहेगा, तब तक यहाँ से नेक्स्ट नहीं होगा, नहीं, जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा तब नेक्स्ट करेंगे, तब जाकर अगले वाले लिखे जाए, आया समझे ना, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो सबमिट का बटन है ना, सबमिट का बटन, ये इसी का आप नाम दे सकते हैं नेक्स्ट, इसी का नाम क्या दे सकते हैं,
और नेक्स्ट यानी जब इसको हटा दीजिए तब ये काम करेगा, तो जब तक आप ये भरेंगे नहीं नेक्स्ट तब तक ये नेक्स्ट हो सकता है। हम यहाँ पे नाम भर दिए फर्स्ट नेम विवेक शर्मा, लास्ट नेम लिखना है ना विवेक, लिख दिए लास्ट नेम छोड़ दिए, फिर सबमिट करने चले गए। पहले पहले क्या कह रहा भरने के लिए, फादर फादर नेम भरेंगे, बताओ दुर्गा मिस्टर दुर्गा हो गया, फिर हम सबमिट करने चले। अब क्या मांग रहा है, मदर नेम टाइप करेंगे, दीवी लिखा जाएगा ना, फिर हम सबमिट करने चले। अब क्या डेट ऑफ बर्थ भरी, फिर हम डेट ऑफ बर्थ भी आ गए, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा हम क्या करेंगे ऊपर आगे से लेकर कितना है जी 2009 है, चलो कुछ भी हम भर दिए 1-1-2000, फिर सबमिट करने चले गए। जरा बताइए कितने साल के हुए हैं, एज बताइए, ये हम ले लेंगे कम से कम कितना लेगा, 18 ये पता है ना, 18 या 19 जो भी लेना होगा 18 ले ली, 16 साल का है सर। हाँ लेकिन यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम दिए हैं ना सर, वहाँ पे जो लिखे हैं उससे हम जुड़ने पर आए कितना होगा, अगर उसमें कवर ज्यादा उठा लेगा हाँ तब उठा ही लेगा सर, नहीं अभी उठाएगा क्योंकि हम लोग कोई फंक्शन नहीं दिए ना, फंक्शन होता समझ जिसमें जान नहीं डाले ये इतना है तभी आपको ये काम करना था, आने था ये काम नहीं कर आया समझे ना, फिर हम आगे आ गए। अब हम यहाँ पे सबमिट कर रहे थे, ये क्या पूछ रहा है फोन नंबर टाइप कर लेंगे, अब हम सबमिट करने को हो जाएगा क्योंकि बाकी अभी हम किसी में रिक्वायर्ड हो जाएगा ना। चलिए इतना पहले नोट कर लीजिए, पहले पहला वाला, पहले कौन सा फॉर्म वन वाला, नहीं पहले ये लिख लीजिए, पहले पहला ये रिक्वायर्ड ध्यान रखिएगा, जिसको कंपलसरी मॉनेटरी देना होगा उसके लिए क्या लिखना होगा, रिक्वायर्ड लिख लेना, पहले फॉर्म जो पहले का फॉर्म बना था ना उसी पे नीचे जो लगा है बटन वाला वो लिख लीजिए, टैक्स एरिया के नीचे आज इसमें ये बना है